आज हम बनाने जा रहे हैं स्टू कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। स्टू गोश्त की रेसिपी हम दे चुके हैं और साथ ही दे चुके हैं स्टू चिकन की भी रेसिपी, जो कि बहुत ही और अपना एक जायका और अपना एक अलग मकाम रखते हैं। तो सबसे पहले हमने आधा किलो कीमा लिया है, जो कि हमने बीफ का कीमा लिया है, आप देख सकते हैं, और ये हमने धोकर अपने बाउल में रख लिया है। 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं हमने और इनको बारीक काट लिया है। इतना बारीक तो नहीं काटा है जिस तरीके से हम प्याज गोल्डन करने के लिए काटते हैं, बस लेकिन उससे थोड़ा सा मोटा हमने काट लिया है। हमने लिया है कुछ सामान जो कि इसमें जाता है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको खड़े गरम मसाले, जिसमें हमने 2 बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून लिया है हमने साबुत जीरा, 10 से 12 हमने लिए हैं काली मिर्च, और 5 हमने लिए हैं इसमें लौंग, 3 हरी इलायची ली है, और 1 श्री वनिष्ठिक का हमने टुकड़ा लिया है। हमने लिया है यहाँ पर अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, और यहाँ पर लिए हैं हमने लहसुन के जवे, जो कि थोड़े बड़े वाले थे तो हमने 6 लहसुन के जवे लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हो तो आप 8 से 10 ले लें। 1.5 टीस्पून लिया है हमने साबुत धनिया, जिसको हमने 2 टुकड़ों में क्रश कर लिया है। यहाँ पर लिए है हमने दही, जो हमने 3 टेबल स्पून ली है। ये ली है हमने हरी मिर्च, हमें मोटी वाली मिल गई थी तो हमने ये ले ली है। आप चाहें तो मीडियम जो नॉर्मली होती है वो हरी मिर्चें ले लें, तो हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने हिसाब से ले लें इसको, 4 से 5 मिर्चें ले लें। 1 नींबू, जो हम सबसे लास्ट में डालेंगे, और यहाँ पर ली है हमने 5 साबुत लाल मिर्च, जिनको हमने इस तरीके से काट लिया है। 1 लिया है यहाँ पर हमने टमाटर, इसमें हम सारी नींबू भी और दही भी और टमाटर भी, जिससे प्याज की जो मिठास है उसको ये कम करेगा और ये बड़ा ही अच्छा टेस्ट देगा। तो इसको हमने रफली काट लिया है। हरा धनिया लिया है हमने, साथ ही हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि फिलहाल 1 टीस्पून ही है, और साथ ही हमने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी। तो चलते हैं पैन की तरफ। से पहले हमने देगची में रखा है तेल, तेल हमने वही लिया है सरसों का, जो हमने पका कर रखा हुआ है। इसको आप तेल को कभी भी 2 से 3 बार ना पकाएं। बार बार हम इस बात को बताते रहते हैं आपको कि तेल को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे, कोई सा भी तेल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, सरसों का तेल हो, तो वो बजाय फ़ायदा करने के नुकसान करने लगता है। तो इसलिए तेल को ज़्यादा पका के इस्तेमाल ना करें, 3 दफ़ा से ज़्यादा इसे बिल्कुल ना पकाएं। तो इसमें डाल देंगे हम ये कीमा, इसे चला देंगे हम, तो कीमे को अच्छी तरह से हमने चला दिया है, 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है तेल के साथ में। अब इसमें डाल देंगे साबुत खड़ा गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, लहसुन अदरक कटा हुआ। इसमें आपको पेस्ट यूज़ नहीं करना है लहसुन अदरक का, लहसुन अदरक ना ही कुटा हुआ यूज़ करना है, आपको सिर्फ कटा हुआ ही यूज़ करना है। तो इसे अच्छे से हम मिलाएंगे, पहले सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर, अच्छी तरह से मिला दें इसको भी। तो अच्छी तरह से हमने सारे मसालों को मिला दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको कर देंगे कवर और लो हीट पे इसे पकने देंगे 20 से 25 मिनट, जब तक कि कीमा कम से कम 80 से 90% हो गए हैं। 20 से 25 मिनट, हो सकता है आधा घंटा भी हो गया हो, क्योंकि ये बीफ का कीमा है। तो देखें कीमे में काफ़ी पानी खुशक हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम ये दही, हीट को यहाँ पर कर देंगे तेज़। अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 मिसल लगा लें, और इसी प्रोसेस से आप उसे पका सकते हैं। लेकिन जो मज़ा खुल के पकने में आता है वो कुकर में एक बार को शायद आपको ना लगे। पहले इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, दही, और इसमें डाल देंगे प्याज, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे सब चीज़ों को। कीमा 80% तक कुक हो चुका है, जैसा कि हमने कहा था। इसे हम बीच बीच में चेक भी करते रहे थे, ये नहीं कि आप इसको रखकर भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खुले बर्तन में पकाते हैं तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसको सब चीज़ें मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए फिर से हम इसको कवर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हीट अब रखेंगे हम मीडियम हीट पे इसको पकने देंगे, ताकि प्याज जो है ये सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका कीमे के अंदर आ जाए। तो देखिए 10 मिनट इसको हो चुके हैं, और इसे हमने बिल्कुल लो हीट पर रख दिया था। आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और ये नीचे को दब गया है। तो अगर आप पहले से प्याज इसमें डाल देंगे तो ये क्या होगा कि ये प्याज बिल्कुल घुल जाएगी इसमें, जो कि जब आप इसे बार बार गर्म करेंगे तो ये बाद में अपने आप और ज़्यादा उसमें ग्रेवी सी बनती जाएगी इसमें, जब आप इस तरीके से डालेंगे। तो
इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें, और जो इसमें पानी है इसे हम खुशक कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी रंगत आई है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, और जायके में भी इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप जो ये प्याज देख रहे हैं ये भी जब आप इसको गर्म करेंगे पकने के बाद, जैसे हम थोड़ी देर बाद रख देते हैं, कोई खाने वाला घर का मेंबर आता है उसके लिए हम गर्म करते रहते हैं बार बार, तो ये बिल्कुल आराम से इतनी अच्छी हो जाएगी इसमें, बहुत ही अच्छी प्याज बिल्कुल, क्योंकि घुली घुली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखें बहुत ही शानदार हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डाल देंगे हरा धनिया, मिला देंगे इसको भी अच्छी तरह से ताकि हरे धनिया की भी खुशबू इसमें आ जाए। तो हरा धनिया भी हमने मिला दिया है। अब जो नींबू है इसके बीज हमने निकाल दिए हैं, इसको हम निचोड़ देंगे, मिला दें इसको नींबू के जूस को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा टमाटर का, दही का और नींबू का। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको करते हैं हम सर्व। खड़े मसालों की जो इसमें खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको एकदम डिफरेंट बना देती है। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है और जो लाल मिर्चें कटी हुई पिसी हुई हरी मिर्चें सब डलती हैं वो बड़ा ही अच्छा। देखिए तैयार है स्टू कीमा हमारा, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है हमारे घर में, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको बनाते रहते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी बेहद पसंद आने वाली है ये कीमे की एक और नई वरायटी, आप देख सकते हैं। हालांकि हमने नई वरायटी इसलिए कहा है क्योंकि अभी हमने इसको अभी दिया है अपने चैनल पर, तो आप इससे पहले हमारी खड़े कीमे का जो रेसिपी है वो भी देख सकते हैं, और साथ ही हरी मिर्च कीमा या फिर चने की दाल कीमा आप जो भी चाहें देख सकते हैं, सभी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी हैं। तो आप इन रेसिपियों को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।